नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के नानपारा से एक और, जहां प्रदेश में योगी सरकार के बनते ही ग्राम सभा की जमीन, तालाब, चरागाह, कब्रिस्तान जैसे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर भूमाफियाओं की दबंगई कानून व्यवस्था पर इस प्रकार हावी है कि अब लोग सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने से नहीं कतरा रहे हैं। ताजा मामला तहसील नानपारा अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपकरी के मजरा पोखरा गांव का है, जहां चकिया रोड के किनारे ग्राम समाज की करोड़ों की भूमि पर गांव के दबंग पूर्व प्रधान द्वारा सरकारी भूमि पर निर्माण करके कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पोखरा गांव जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे ग्राम सभा की करोड़ों रुपए कीमत की भूमि पर दबंग पूर्व ग्राम प्रधान कब्जा कर दुकानें बनवा रहा है। जब क्षेत्रीय लेखपाल से बात की गई तो पहले अनभिज्ञता जताई, बाद में गाटा संख्या 301 सरकारी भूमि पर कब्जा होने की बात को स्वीकार किया। राजस्व विभाग के अधिकारियों के गैर जिम्मेदार होने के चलते दबंग भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करके कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अफजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।